हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करें। जी हां फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने फ़ोन पे यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करके पैसे को ऐड कर लिए हैं और वो चाहते हैं अपने बैंक में इस पैसे को ट्रांसफ़र करें, लेकिन उन लोगों को नहीं बताया कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फिर ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, फ़ोन पे यूपीआई लाइट का जो पैसा है बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोगों पे जब आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूपीआई लाइट आ जाएगा। इसको आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से आप लोग पैसे सिर्फ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करना है सीधे अपने बैंक में कैसे करेंगे, तो ये देख सकते हैं टू सेल्फ अकाउंट। यहाँ से मैं अपने बैंक में पैसा भेजूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा बैंक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे अपना जितना अमाउंट भेजना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई लाइट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, जैसे पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो टू बैंक एंड यूपीआई आईडी, तो यहाँ मिल जाएगा टू बैंक, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग जिस बैंक में पैसे भेजना है प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और आपको अपना उस बैंक को सर्च करना है जिस बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं। मैं बैंक ऑफ इंडिया भेजना चाहता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया सर्च करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। अकाउंट नंबर डालेंगे जो जिसके खाते में पैसे भेज रहे हैं आप लोग, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका नाम जो जिसके अकाउंट होगा उसका होल्डर नेम आ जाएगा, निक नेम में आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। प्रोसेस टू पे पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको अमाउंट भरना है, मैं 10 रुपये भेजता हूँ, प्रोसेस टू पे क्लिक करूँगा और ये यूपीआई लाइट आ जाएगा। अब ये यूपीआई लाइट आ जाता है, अगर और किसी पे सेलेक्ट हो तो यूपीआई लाइट को सेलेक्ट करना और पे पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कनेक्टिंग सिक्योरली और यहाँ पे बिना किसी यूपीआई पिन के आप लोग पैसे भेज सकते हैं। ये देख सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं और 10 रुपये तुरंत से मुझे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा सीधे किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को फ़ोन पे यूपीआई लाइट का पैसा सीधे बैंक में ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कतें परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।